हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द डिम्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है बंगाली मिठाई संदेश, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। सबको ही बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आधी कटोरी दूध लिया है, हाफ कप के करीब। इसमें हम थोड़ा सा केसर भिगो के रख देंगे। जब तक हम बाकी का मिक्सचर रेडी करेंगे, ये इसके साथ पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और हम डालेंगे एक दूसरी कटोरी में, हम डाल के रखेंगे 3 टीस्पून ऑफ विनेगर, 4 टीस्पून ऑफ विनेगर, ये हम वाइट विनेगर का यूज कर रहे हैं, और 4 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये भी हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसमें दूध गरम करेंगे, उसको पूरा उबालेंगे। यहाँ पे हम 3 लीटर दूध का यूज कर रहे हैं। हमने गैस को ऑन कर दिया है। इस दूध को हम पहले पूरा गरम करेंगे। तो अब इस दूध को हम पूरा गरम करेंगे, इसे बॉइल होने देंगे। ये दूध 3 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। आप इसे बीच बीच में चम्मच की हेल्प से इस तरीके से घुमाते रहें, नहीं तो नीचे लग सकता है। कंटिन्यू स्टर करने की जरूरत नहीं है, पर इसे आप बीच बीच में चेक करते रहें और एक दो बार चम्मच घुमा दें। तो आप देख सकते हैं दूध में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है, पर इसको हम थोड़े 5 मिनट तक और उबलने देंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमने दूध को कम से कम 10 मिनट उबलने दिया है और अब हम गैस को बंद कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा गरम हो गया है, हमने गैस बंद कर दिया है। हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। इसी गरम दूध में हम ये जो विनेगर हमने डाल के रखा है, इसमें पानी भी ऐड है, इसको हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पर डालेंगे और साथ ही चम्मच से घुमाते रहेंगे। एक साथ ही आप पूरा पेस्ट ना डालें, क्योंकि फिर वो सही से फटेगा नहीं। हम इसको कंटिन्यू इस तरीके से स्टर करते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक साथ नहीं डाला है, उसको धीरे धीरे डाल रहे हैं हम। थोड़ा घुमा लीजिए। थोड़ा सा और डालेंगे, अलग अलग जगह पर डाल लेते हैं। फिर से घुमाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 3 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है दूध, और जो विनेगर का हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसे अभी तक नहीं फटा है, जो कि हमने 4 टीस्पून विनेगर और 4 टीस्पून हमने पानी लिया था। तो हम थोड़ा सा विनेगर और पानी का मिक्सचर और रेडी कर लेते हैं। हमने 4-4 चम्मच का पेस्ट और रेडी कर लिया है। हमें कम से कम 2-3 चम्मच इसमें डाल देते हैं, उसके बाद हम फिर से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने वो पेस्ट वापस डालने की कोशिश की है, आई डोंट नो, थोड़ा सा ये मिल्क थोड़ा सा जो या तो बहुत ज़्यादा प्योर है, इस वजह से फट नहीं रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी घरों में इस तरह का दूध आता होगा जो बहुत आसानी से नहीं फटता है। तो मैं अब इसमें डायरेक्ट विनेगर डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये फट जाए। अगर आपका नॉर्मली बहुत इजीली तरीके से फट जाए, पहले आप वही प्रोसेस ट्राई करें, और अगर नहीं फटे तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा विनेगर डाल के ट्राई करें। तो आपको बेसिकली ये करना है, जब तक ये दूध फटे नहीं, आपको इसमें ये पेस्ट को धीरे धीरे डालते रहना है, ठीक है। तो एक बार ये दूध फट जाए, उसके बाद में मैं आपको ये प्रोसेस बताती हूँ आगे की।
तो देखिए फाइनली हमारा दूध फट गया है, मैंने काफ़ी कोशिशों के बाद इसे फाड़ा है। तो हमें इसे इस तरीके का होने तक हमें उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। मेरा उतने से विनेगर में जो मैंने 5-6 चम्मच और डाला, प्योर विनेगर डाला, उससे भी नहीं फटा। तो मैंने थोड़ा सा गैस ऑन करके और इसको वापस गर्म किया तो ये इस तरीके से अलग होने लग गया है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन पानी अलग हो गया है और जो दूध हमने फाड़ा था उसका जो मिक्सचर जो रेडी हुआ वो इस तरीके से जो बाइंड होता है ना, इस तरीके से होना चाहिए। वो जो अलग अलग छोटा छोटा दाने जैसा होता है वैसा नहीं, ये पहला उस तरीके से फटा था इसलिए मैंने गैस को ऑन किया और इसको थोड़ा सा और गर्म किया तब ये इस तरीके से मोटा सा इस तरीके से अलग अलग फटने लग गया। तो अब मैं इस गैस को बंद कर देती हूँ और अब हमें इसे किसी बर्तन में मसलिन क्लॉथ के ऊपर इसे गरम गरम ही छानना है। तो देख सकते हैं आप ये बहुत थिक जो पार्ट बन गया है, इसका जो बाइंडेड पार्ट है इस तरीके से होना चाहिए और ये ग्रीन पानी अलग हो गया है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके का एक भगोना लिया है, उस पे ये हम जो छन्नीदार क्लोथ आता है जिसे मसलिन क्लोथ भी बोलते हैं, इस तरीके का हमें क्लोथ इसके ऊपर रखना है। इसको हमने गीला नहीं किया है, ये सूखा हुआ ही है। अब इसके ऊपर हम वो जो कढ़ाई में जो हमारा पनीर बनके रेडी है वो हम इसमें डाल के छानेंगे। तो ये हमने पूरा छान लिया है, ये जो कढ़ाई में जो लगा हुआ है वो हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसको चारों तरफ से पकड़ के इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसका जो एक्सेस वाटर है उसको हम निकालेंगे। आप हल्के हाथ से प्रेस करें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, जितना कर पाएं उतना ही करें। तो जो पनीर हमने छान लिया है वो बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, जो पानी जो इसमें निकला है वो हम गिरा देते हैं। और अब हम इसे 3 से 4 बार साफ पानी से धोएंगे। 2 से 3 बार इस भगोने को धोने के बाद हमने इसमें साफ पानी डाल दिया है और जो पनीर हमने इसमें डाल के रखा था वो हमने इसमें डिप कर दिया है। और इसी तरीके से आप हाथों की हेल्प से इसे प्रेस करें ताकि इसका जो सारा सिट्रिक एसिड जो इसमें विनेगर डाला था उसका जो खट्टापन है वो सारा बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से इसका पूरा खट्टापन निकल जाएगा। इसको आप 1 से 2 बार साफ पानी में इसी तरीके से प्रेस करके इसका खट्टापन निकाल लें। तो हमने इसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया है और अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करके पूरा पानी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें इसे ऊपर से प्रेस करके पूरा पानी निकालना है। अगर आप पूरा पानी हाथों हाथ निकाल पाएं तो हम इसके आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें हल्का सा पानी रह गया है तो आप इसे 15 से 20 मिनट किसी भारी बर्तन से दबा के रख सकते हैं। अब उसमें से पूरा पानी निकल गया है तो इस पनीर को हम सीधा जार में डाल देंगे। तो अब हमने इसको जार में डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे जो करीबन 1 टीस्पून के करीब है। ये जो दूध हमने केसर डाल के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और 1 कटोरी हम इसमें डालेंगे चीनी। आधी कटोरी हम तो इसमें दूध और डालेंगे ताकि वो इसका अच्छी तरीके से एक थिक पेस्ट तैयार हो जाए। तो देखिए हमारा ये पेस्ट बनके रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी यही रहनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो देखिए चल रहे हैं, ये मोस्टली सब घरों में अवेलेबल है। इसके यहाँ तक पानी डाल दिया है, यहाँ तक पानी डाल दिया है। अब इसे अगर आपके पास ये इडली वाले कुकर अवेलेबल नहीं है, ये इडली वाला बर्तन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कढ़ाई ले, उसमें उसकी डेप्थ
थोड़ा सा पानी डालें और उस पर एक स्टैंड रख दें, उसके ऊपर एक कोई भी स्टील का बाउल या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको उसके ऊपर रख के थोड़ा सा 10 मिनट के लिए प्री हीट कर ले फुल फ्लेम पे। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसमें ही बनाएं। तो उस इडली के बर्तन में ये हमारे पास खामन का सांचा आता है उसमें हम इसको डालेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा इसमें घी लगाएंगे और उसे स्प्रेड करेंगे। इसके किनारों पे भी हमें अच्छी तरीके से लगाना है ताकि जो हमारा पेस्ट है वो साइड में चिपके नहीं। इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पानी उबल गया है। अब इस सांचे को हम थोड़ी देर इसमें रख के इसको भी हम प्री स्टीम करेंगे, प्री हीट करेंगे। हम इसको कवर कर देते हैं। हम इसे 5 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। तो हमने इसे 5 मिनट प्री हीट कर लिया और चिमटे की हेल्प से हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इस पर ये पेस्ट पूरा डाल देंगे, पूरा इसे स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए हमने इसे पूरा निकाल लिया है जार में से। अब इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको टैप कर लें ताकि अगर इसके अंदर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब ऊपर से हम थोड़ी सी केसर स्प्रिंकल करेंगे। हमने इसे वापस इसे इडली के बर्तन में रख दिया है। गैस हमारा ऑन है, पानी पूरा बॉइल है। अब हम इसे कवर कर देंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है, लो टू मीडियम के बीच में ही फ्लेम को रखें और हमें इसे 20 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसे हमें 20 मिनट तक इसे पकाते रहना है। हमें इसे स्टीम करते हुए करीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। अब हम इसे टूथपिक डाल के देखेंगे। ये हमने डाला और ये देखिए बिल्कुल क्लियर बाहर निकली है। ये बनके रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब हम इसे चिमटे की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। देखिए बनके रेडी है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डिसमोल्ड करेंगे। अब हम इसको नाइफ की हेल्प से इसके साइड के घुमा लेंगे ताकि इजीली डिसमोल्ड हो जाए। अब हम इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। इसके ऊपर आप एक प्लेट रख दें और इसको पलट दें। अब हमने इसको दूसरे से ट्रांसफर कर लिया। अब इसके ऊपर वापस एक प्लेट रखें और इसको सीधा कर लें। तो देखिए हमारा स्टीम संदेश बनके रेडी है। ये खाने में बहुत ही यमी है। मैंने इसे पहले भी ट्राई किया हुआ है। ये बहुत ही प्लफी और बहुत ही यमी बनता है। अब हम इसे क्या करेंगे, जो भी शेप आपको पसंद हो, आप नाइफ की हेल्प से इसे या तो चौकोर काट सकते हैं या आप किसी कटोरी की हेल्प से गोल गोल भी काट सकते हैं। तो मैं इसे चौकोर काटूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्पंजी है ये। ऐसे हम इसे काट लेते हैं। तो देखिए पूरा बन के रेडी है। मैं इसे आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए ये कितना स्पंजी बना। तो देखिए हमारी बंगाली मिठाई संदेश बन के रेडी है। ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है और हमने बहुत ही इजी तरीके से इसे घर पे बना लिया है। इस टाइम पे मार्केट की मिठाइयों को हम अवॉइड कर सकते हैं इसी तरीके से घर पे बना के। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।